गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से 23 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिसके संबंध में बताते हुए भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने लोगों से अपील किया कि उनके नामांकन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। रवि किशन ने बताया कि उनका नामांकन जुलूस गुरु गोरखनाथ के दर्शन के पश्चात गोरखनाथ मंदिर से शुरू होगा और MP कॉलेज पहुँचेगा। उसके बाद वे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 19 मई को अधिक से अधिक मतदान किए जाने सहित नामांकन प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को पहुंचने की अपील की है। प्रणाम, जय बाबा गोरक्षनाथ, हर हर महादेव। महाराज जी का भेजल हम दूत हैं, महाराज जी चाहत रहन के हम ये सेवा करे खातिर ये देवभूमि गोरखपुर में आई तो हम आ गए। रुवा लोगन से इतना प्रेम भेटाई जैसे और पता चलल कि हम माम खोर के हई और पूर्वांचल की माटी जहाँ हम बहुत शूटिंग के लिए। तो आप लोग मुझे बहुत समय से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं। आओ सब मिलकर साथ दें, मतदान करें। 19 मई को गोरखपुर में मतदान है, पहले मतदान फिर जलपान, एक नारा लो। तो मैं रवि किशन कल नामांकन कर रहा हूँ और ये नामांकन मेरे यज्ञ से शुरू होगा, गोरक्षनाथ मंदिर से। उसके बाद का सफर आप लोगों को पता चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और अपनी शक्ति दिखाएं, प्रेम की शक्ति, धर्म की शक्ति, देश की शक्ति, प्रधानमंत्री के प्रेम की शक्ति, महाराज जी के आशीर्वाद की शक्ति। हम इंतजार कर भैया हो जुटी है सब लोग। हम रवि किशन पूरा हमारे समाज के कुल बिरादरी के हमारे बिरादरी का हो, पूरा देश जाना था, पूरा पूर्वांचल जाना था, लेकिन हम सबका है, सबने हमको सुपरस्टार बनाया। आप सब लोगों को न्योता है, कल जुटिए, गोरक्षनाथ मंदिर से हमारी यात्रा शुरू होगी, वहां से हम नामांकन भरेंगे। जय हो।